रो बहारो फूल बरसाओ, मेरा पहाड़ आया है। अरे यार, यही तो यार इस हाईवे की खास बात है, बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पे रूल्स, मैंने कहा था ना बाइक तो नहीं, नो स्टॉपिंग। ऐसे नहीं कि फोटो खिंचवा रहे हैं जी हाईवे पे, कुकरापंती कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। तो भाई साहब, दिल्ली में जैसी मई में गर्मी होती है ना, वैसी अभी है दिन में, सही वाली धूप है। रात को जाता होगा प्लेजेंट वेदर, बट अच्छी गर्मी है अभी तो। चलो देखते हैं भाई साहब आगे कैसा रास्ता रहता है, होपफुली सही हो। दो रास्ते जाते हैं यार गोवा के लिए, एक तो पहाड़ों वाला है और एक अलग है, पता नहीं मुझे याद है नहीं, और गूगल जहाँ से दिखा देगा वहाँ से चले जाएंगे, अनलेस बहुत ख़राब ना हो। ये शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी ऐसी जगह से निकाल देता है भाई साहब, लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो जी चले। लौंडा सेट क्या कर रही रहा है वाह जी वाह। ये हुई ना कुछ बात भाई, इतनी स्लो नहीं चलती उनसे पहाड़ों पे।
भाई साहब सिंगल लेन रोड पे आ गए। मैं सोच रहा था निकल तो नहीं गई, मतलब बैंगलोर नज़दीक आ रहा था, आना गोवा चाहिए। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, कहाँ गई कहाँ गई। एक्चुअली पिछली बार जब आया था ना तो ये मिस हो गई थी, और इतना आगे चला गया था मतलब पूरा आराम से आधा पौना घंटा खराब, आधा नहीं बल्कि 1 घंटा खराब हो गया था। इस बार भैया चुकन्ने थे, पर यार रोड बहुत अच्छी है ये वाली पुणे टू मतलब जो भी है, जो भी मतलब कह रहा हूँ क्या था जगह का नाम भूल गया। जहाँ तक ये रास्ता कटा ना ये सिंगल लेन गोवा के लिए, वहाँ तक बहुत बढ़िया रोड है, मतलब कह सकते हैं। ये भी अच्छी है यार, ये सीने के काफी, ये भी बहुत अच्छी है। सिंगल लेन सी रहेगी बट मज़ेदार है, मेरे ख्याल से नेटवर्क वगैरह बीच में चला जाता है। यार स्पीड ब्रेकर पता है, बस ये वाले फिर भी ठीक है यार, रिस्पेक्टेबल स्पीड ब्रेकर है। कुछ लोग पहाड़ खड़ा कर देते हैं यार, पता नहीं स्पीड ब्रेकर के नाम शॉकर की ऐसी तैसी हो जाती है गाड़ी। चार बज गए, हम चले थे 10:30, 10:30 मुंबई में, मुंबई से निकलते निकलते 1 घंटा लग गया, इतना जाम था। कभी कभार ना ये कैमरा बोल जाता हूँ ऑन करना ना, अरे इतना मस्त अगर रोड होती है ना याद ही नहीं रहता, अरे मैं तो व्लॉग भी बनाना है। क्या बेंड हो रही है प्यार से अपनी गाड़ी, उससे भी प्यार से बेंड हो रही है बाइक। अब डस्टर का सस्पेंशन सेटअप ऐसा है कि गड्ढों में से पैर के निकल जाती है गाड़ी यार, राइड क्वालिटी में बीट करके दिखाओ इसे। लोग कह देते हैं भाई साहब ये गड्ढे में इतनी तेज क्यों निकाल ली, नहीं गड्ढा नहीं सॉरी खराब रोड या बनाया है ऐसा है, गाड़ी की कैपेबिलिटी है, हम फायदा उठाते हैं। चलो जी देखो ट्रैफिक व्रैफिक ज़्यादा ना हो तो मेरे ख्याल से 8 बजे, 8, 7:30, 8:30 तक पहुँच ही जाएंगे गोवा। फिर देखूंगा यार रात को एंजॉय करके, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा अगर तो मैं सोया नहीं तो उठपटांग काम करता रहता हूँ ना, अगर तो सोया नहीं तो फिर चेक इन नहीं करूँगा क्यों खराब करने ना, मतलब मान लो रात भर तफरी मारनी है बाहर है बाहर ही घूमना है 3-4 बजे तक, फिर चेक इन करने का फायदा नहीं। अभी कल मैंने चेक इन इसलिए किया आराम से सोया 11-10 घंटे, हाँ क्योंकि मैं उससे एक दिन पहले 1100 किलोमीटर हो गए थे तो भाई शरीर, और उसके बाद भी सोया नहीं था तो, बट ठीक था अच्छा था। Thank you.
पे हैं हम, मतलब इस टॉप पे नहीं आएंगे, पहाड़ के टॉप पे, मतलब इस रास्ते में जो आता है। ड्राइवर्स डिलाइट कह सकते हो इसे, मजा आ जाता है यार। क्या बात है यार, देख रहे हो यार। वाह यार, वाह 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 वाह, हिमाचल की याद दिला दी, हिमाचल की जाएंगे यार, वहां पे भी जाएंगे। चीज बर्फ बर्फ करते हैं, बट अभी थोड़ा सा क्राउड कम होएगा तब पहुंचेंगे हम भी। भाई तगड़े ब्रेक लेने पड़ गए भाई साहब। भाई साहब एकदम से घातक टर्न आ गया, घातक वाला। ये है अम्बोली वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है, पानी तो दिख नहीं रहा भाई, अम्बोली वाटरफॉल। पिछली बार तो आ रहा था, इस बार तो सूखा पड़ा है। जबरदस्त, यस गोवा, ओहो पहुंच गए गोवा। अरे और रात से पहले कैसीनो प्राइड है, पहुंच गए जी गोवा। बहुत ही बढ़िया,